see. वाह, और यहाँ पर मेरे पास टमाटर भी हैं, इनको भी आप चढ़ा कर दें हल्का सा। ये साइड पे ग्रिल करें, ठीक है। इसके साथ जो है मैं प्याज भी बहुत ही आराम से लगाएं स्कीवर पे। जी हाँ, तो इसे पहले एक साइड पे कुक करें, एकदम अल्टी पल्टी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता इसको अल्टी पल्टी कहते हैं क्या कहते हैं, लेकिन ये मैं कहूँगा कि टर्न ना करें और बहुत ही आराम से एकदम उसे स्लोली कुक होने दें, बहुत आराम से। और जब तक कि एक साइड जब कुक हो जाएगी, फिर हम दूसरी साइड पर आएंगे और फिर दूसरी साइड को करेंगे। अगर आप जल्दी में इसको यानी कि टर्न करना चाहेंगे, ये साथ चिपक जाएगी और फिर जुड़ जाएगी और फिर जगह जगह से जलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप दरमियानी आंच रखें, बहुत ज़्यादा नहीं। ये आपके साथ मैं दिखाना चाहता था कि आंच कितनी ज़्यादा है, और आपको बताना चाह रहा था बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं है। तो देखिए, नॉर्मल आंच मैंने रखी हुई है और इस पे जो है कुक कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ्यूम्स नहीं उड़ रहे, बहुत ही आराम से। और यहाँ पर हमारी दम पर जो है वो राइस तैयार हो रही है। तो अभी आपको इसको टर्न करने की ज़रूरत नहीं, 2 से 3 मिनट और दें। जब एक साइड इसकी अच्छी तरह पक जाएगी, फिर हम इसकी दूसरी साइड जो है वो कुक करेंगे, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर हमारे कुक हो रहे हैं, टमाटो प्याज ग्रिल हो रहे हैं, ये इसके लवाजमात हैं। लेकिन इसके साथ जो है फिर मज़ा आता है ज़्यादातर आपको सलाद शराजी, जब तक कि वो सर्व नहीं करेंगे, बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिस तरह हमारा कचूमर सैलड, हमारी कुजीन ईरान से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, बहुत सारी जो है रोटी का स्टाइल बहुत मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए ईरानी, अरेबिक, टर्किश, अफगानी, रशियन, ये मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी डिशेस लेकर आ रहा हूँ अपने इस प्रोग्राम में, लेकिन वो भी एक छोटे से सस्ते बजट में रहते हुए। और कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी जो कि आपको बाज़ार से बहुत महंगी और मुश्किल से मिलती हो। जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे वो घरेलू होंगी, रोज़मर्रा की शेल्फ पर होंगी, और आपको उठानी होगी अपने किचन से और सिर्फ इसके ऊपर लगानी होगी और फिर खानी होगी। तो अभी जो है हल्का सा मैं बटर जो है इसके ऊपर जब मैं टर्न करूँगा, ये देखिए, वाह, आपने देखा कितना ज़बरदस्त यानी कि कलर आ गया है, कितना खूबसूरत, जुड़ भी नहीं रहे, ना जले हैं ना कुछ, सिर्फ मेरा हाथ जल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, वाह, अब जो है ये बटर आप ऊपर लगाएंगे गरम, ओहो क्या बात है, ये आप देख रहे हैं अभी कैसी शाइनिंग आई है और कैसी खुशबू उठनी शुरू हुई है। अब आप वाकई कहेंगे कि ये कबाब ज़बरदस्त है, इसका तो कमाल ही है। तो इसके साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शीरीन पुलाव, अज्जा बासमती चावल 1.5 कप, दरमियानी प्याज 1, ईरानी किशमिश, कद्दूकश, गाजर बारीक कटे, ऑरेंज के छिलके, चीनी और तेल 1/4 कप, छोटी इलायची 2 से 3, बादाम 8 से 10, पिस्ते 14 से 16, जाफरान 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च। शीरीन पुलाव, अज्जा बासमती चावल 1.5 कप, दरमियानी प्याज 1, ईरानी किशमिश, कद्दूकश, गाजर बारीक कटे, ऑरेंज के छिलके, चीनी और तेल 1/4 कप, छोटी इलायची 2 से 3, बादाम 8 से 10, पिस्ते 14 से 16, जाफरान 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, जर्दे का रंग 1 चुटकी।
वेलकम बैक कुकिंग ऑन अ बजट में ताहिर चौधरी आपके साथ। और अभी आप देख रहे हैं कि हम तैयार कर रहे हैं कबाब जोजो और राइस शीरी पुलाव और उसके साथ सलाद शिराजी की तरफ चलें। और आपको बताता चलूं कि ये ऑलमोस्ट हमारे कचुमर सैलर से दुनिया की जितनी भी कुजीन है वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जिस तरह रंग और नस्ल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसी तरह कुजीन जो जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं। हमेशा ट्रेडिशंस जो हैं यानी कि सकाफ़तें जो हैं और त्यौहार जो हैं एक दूसरे से जब मिलो मिलाप होता है, मोहब्बतें पैदा होती हैं तो वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश है जो कि आज मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा। और इसके साथ जो पुलाव है उसका तो जवाब ही नहीं, और जब कबाब उसके साथ मिलते हैं तो मैं आपको क्या बताऊं, वो कहते हैं मेरे तो दिल पे छुरियां चलती हैं। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी इतनी प्यारी खुशबू आ रही, और यहाँ पर सलाद शिराजी के लिए जो है मैं बिल्कुल बारीक छोटा छोटा प्याज काट दिए, ठीक है जी। बहुत ही ज़बरदस्त ये सलाद है आपके सामने, और ये मैं तैयार कर रहा हूँ। आधा प्याज यानी कि पूरा एक प्याज करेंगे, इसको फिर आपके सामने जो है मैं काट रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। और दैट्स इट, ठीक है जी। अब आपने टमाटर लेना है, इसको आपने फिर चार हिस्सों में काटना है, ठीक है। और इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका गूदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी, और या फिर एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप गूदा बीच वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो किस तरह, क्योंकि ये प्रोग्राम है कुकिंग ऑन अ बजट जिसमें हम टेक्निक्स आपको सिखाते हैं, बताते हैं कि आप किस तरह कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को सेव। ये बहुत सारे अक्सर लोग इस तरह करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और मज़ा भी नहीं आता। अच्छा, फिर इस तरह झाड़े जाते हैं और बीज जी उतार रहे हैं, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल गलत है, मैं आपको अब सही तरीका सिखाता हूँ कि गलत और सही में फ़र्क है। ये आपने देखा कि मैंने कितना ज़ाया किया, ठीक है। अब मैं सही आसान तरीका बताता हूँ, इसको इस तरह लेंथ में नहीं दरमियान में से काटें, और ठीक है थोड़ा सा यूँ करें, सारे बीज निकल गए लेकिन गूदा जो है हमारे पास है, और इसको जो है फिर आप काट लें और इसके छोटे छोटे से डाइस हम करेंगे। ये देखें कितना इजी, बहुत ही सिंपल, ये सही तरीका था। पहले हमने आपको गलत तरीका बताया फिर सही बताया ताकि आप सही टेक्निक सीख सकें और अच्छी से अच्छी कुकिंग कर सकें जिसमें आपकी बचत भी हो, ठीक है, और खाने की भी बचत, पैसे की भी बचत। खैर, ज़ाया तो मैं किसी चीज़ को नहीं करता, ये आपके सामने है, इसे भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाता है और राइट जी, ये सही से भी साथ ही कर लें। राइट हो जी, अब जो है हमारे पास यहाँ पर पार्सली है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ी सी पार्सली हम जो है रख लेते हैं सजावट के लिए, कुछ पत्ते ये सजावट के लिए रख लिए, और इसे जो है हम बिल्कुल, ये फ्रेंच पार्सली है जो कि चाइनीज़ पार्सली होती है, वो स्ट्रेट होती है, वो सस्ती भी है, आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सलाद के अंदर इस्तेमाल होती हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि अब जो है ये आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी मज़ेदार इसके अंदर, ये बिल्कुल बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही ओरिजिनल रेसिपी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लीमू, लीमू का रस अच्छी तरह निचोड़ें, हम्म,
अच्छा, ये था गलत तरीका, अब मैं आपको सही तरीका सिखाता हूँ। आज मेरी कोशिश है पहले मैं आपको गलत तरीके सिखाऊं, फिर उसके बाद सही उसको करूं। अब मैं आपको सही तरीका, देखा कि नींबू को कितना जोर लगा और मैं निचोड़ रहा हूं। सही तरीका, ये सख्त है नींबू, आप पहले इसे रब करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊं जो कि मैं खुद जानता हूं और आपकी भी नॉलेज में लेकर आऊँ। अब ये देखें कितना नरम है, मैं अब एक हाथ से भी निचोड़ सकता हूँ, और पहले मैंने कितना जोर लगाया। राइट जी, अब ये देखें पहले से ही बीज भी बाहर आ रहे हैं, हाथ से ही बीज बाहर आ गए, और अब जो है इसका जो निचोड़ने का है अंदाज वो इजी हो गया। ठीक है, और ये था सही तरीका। जब भी आप थोड़ा सा इसको पहले अच्छी तरह मसल लें, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये था सही तरीका। अब आपको